हंसते वस्ते नहीं हो गया? हंस के देखा, हंस के देखा स्माइल। पीछे देख रहे हैं ये केबल कार लगी हुई है और भाई ने अटैच किया हुआ है अपनी ऑल्टो कार के साथ। अब भाई शौकत भाई हमारे लिए डील कर रहे हैं, देखें कितने में सौदा टूटता है। कितने में सौदा टूटता है? सौदा हो गया भाई। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। करीम करीम भाई, थैंक यू वेरी मच। साजिद करीम जिंदाबाद। कितने बंदों के लिए? चार बैठ सकते हैं। चार बैठ सकते भाई, इजीली चार बैठ जाएंगे भाई और फंस फंसा के 10 बैठ जाएंगे। अल्लाह रहमान रहीम, दुआए सफर पढ़ ले भाई। या अल्लाह रहम आवाज बहुत सारी है यहाँ पर लेकिन मजेदार है। हाँ जबरदस्त मजा है। अभी हम रुकने जा रहे हैं, शायद थोड़ा सा धक्के की आवाज आएगी। बुम, और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है और अब हम यहाँ पे उतरने जा रहे हैं। हालांकि 2 मिनट की राइड थी लेकिन बड़ा मजेदार राइड था यार। बहुत खूबसूरत, बहुत आला यार। वाकई यहाँ से वहाँ देखने का सीन ही कुछ और है। क्या कह रहा है? अरे हाँ, कोई फकीर अपना कटोरा भूल के गया है। देखे पैसे बहुत खर्च हो गए, ये कटोरा लेते हैं और वापसी का किराया निकालते हैं। आ जाए। ये चश्मे का पानी बह रहा है और ये बहुत दूर से चलता हुआ आकर आखिर यहाँ पे गिरता है और इस तरह के बहुत सारे चश्मे इस तरीके से इस झील में जाके मिलते हैं। किसी ने टट्टी करके काम खराब कर दिया भाई। हल्की फुल्की पानी की फुहार मेरे ऊपर है। जॉगर वॉगर गीले नहीं कर, अभी आगे बहुत चीजें हैं भाई। हैं बहुत चीजें हैं, मतलब नहाने के लिए बहुत चीजें हैं। बहुत ठंडा है वाली तो बाबा, हमारे पास ना फ्रिज का भी ठंडा नहीं होगा और यहाँ पे ठंड भी महसूस होना शुरू हो गई है। अरे फोटो काटा है, बड़ी कमाल है तुम्हारा फोटो। ये देखो मर तो ऐसे रह जाता है, जिंदगी में फोटो निकलवाई नहीं है, ब्लॉग बन रहा भाई तेरा है। अरे आवाम आवाम के लिए आया हूँ मैं, आवाम के लिए आया है लेकिन ब्लॉग में टोटल कुल मिला के 4 सीन्स। 2 लाख रुपए खर्च करके आवाम के लिए आया हूँ मैं ये आबशार देखने के लिए। 2 लाख में से पता नहीं कितने जीरो माइनस करेंगे तो 200 हो जाते हैं। क्या करो, ये वीडियो नहीं बनानी है, ये उतने ही पैसे लेकर आया है। ये यहाँ पे क्यों क्यों करना है, क्यों क्यों क्यों। साढ़े 300 रुपये केबल कार के ले रहा है, बुरे नहीं है, वैसे अच्छे सही है। सबके 350 रुपये ले रहा है, 350 सबके राइड कराएंगे, करते हैं बात करते हैं और भी राइड कराएंगे, जितना पैसा बचाएंगे उतना ज़्यादा घूमेंगे हम। नहीं तो फिर एक और BC रखनी पड़ेगी यहाँ से वापस जाने के लिए।
ऐसी बहुत सारी लोकेशंस, ऐसी बहुत सारी सीनरीज हमें पूरे रास्ते में मिलेंगी। अगर हम हर जगह पर आधा आधा घंटे के रुकेंगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से अब यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई, टाइम ज़ाया नहीं करो, आ जाएगा। यहाँ के इंजीनियर ये हैं, यानी जुगाड़ कैसा निकाला तुमने? मैं नहीं हूँ सर, मेरे बड़े भाई है। हाँ, क्या जुगाड़ निकाला तुमने? टायर के साथ इसको किया? बस टायर के साथ, ये एक यूनिक सिस्टम है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ बड़े भाई ने इसे बनाया है। जबरदस्त, बहुत आला है, जिंदाबाद। क्या कह रही हो? पता नहीं चले कसम है तुम्हारे को, नहीं करो ऐसा 200 रुपए ले लो। हाँ भाई, तो फाइनली ये 300 में डील हुई। थैंक यू, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। खुश रहो जवान, खुश रहो। शौकत भाई, बता दिया, मतलब यहाँ पे आप जुदाई करके जा रहे हो? एक्सचेंज ऑफ ड्राइवर, और शौकत भाई जा रहे हैं जिंदाबाद। यार खुश रहो, खुश रहो, बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया भाई। ये नया ड्राइवर आ गया हमारा भाई, क्या नाम है आपका? अमीर जेब। ये कहते हैं कि ये पत्थर अंग्रेजों के वक्त के दौर का है, मतलब ये जब उस वक्त रोड बनाए गए थे तो उस वक्त से अब तक ये वहीं पर ही खड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ वैसे ये जो लोग लोकल लोग होते हैं ना, वो उनकी बातें भी होती हैं। खैर से कालाम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा रात का स्टे कालाम का नहीं। अमीर भाई, अभी हमें रास्ते में और क्या मिलेगा? अभी रास्ते में फारिज आएगा कालाम का, उशू ग्लेशियर, पलोगा, फिर आबशार, चश्मा शफा, मॉडर्न लेक। हमने रात जो स्टे करनी है वो मॉडर्न लेक पे करनी है। ऐसे ये जो आप ग्लेशियर बता रहे हो, वहाँ से ग्लेशियर के पहाड़ नजर आते हैं? आते हैं। अच्छा, वहाँ से वो जो ग्लेशियर की बर्फ पिघल के नीचे आती है, इस दरिया में जाके मिलती है जी, वो पहाड़, मतलब वो बर्फ नजर आती है कि वो गिर रही है? थोड़ी बहुत बर्फ, अभी तो नहीं है, अभी बर्फ पिघल गई है। अच्छा, लेकिन पानी बहता हुआ नजर आता है? जितना दूर बर्फ है ना, उधर से पानी पिघल के आ रहा है। ओके, वैसे सीजन में वहाँ से बड़े बड़े बर्फ के लोग थोड़े गिरते होंगे नीचे। हाँ, अबे चलाना होगा, चलाना होगा। शुक्रिया भाई, भाई के दोस्त है, चलान वाला नहीं था, मजाक कर रहा था। जिया बादशाह, ये है माल रोड। जैसे नहीं आप मरी जाते हो तो मरी में एक माल रोड आता है, शॉपिंग सेंटर होता है पूरा, आप जाते जाओ पूरा रोड शॉपिंग के साथ है। तो यही यहाँ का माल रोड है और कालाम का माल रोड है। लेकिन यहाँ पर अभी अगर आप फोकस करेंगे तो दुकानें बहुत कम खुली हुई होंगी, क्योंकि ये जो कोविड का मसला आया था उसकी वजह से लोगों ने बहुतों ने कारोबार बंद करके वाइंड अप करके अभी घर बैठ के आराम कर रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पे और कोई कारोबार है, कोई और चीज है? और कुछ कारोबार नहीं, ये सीजन का 3-4 महीने का ये मेहमानों का टोर्स है हमारा। हाँ, बस ये मेहमान आते हैं, इधर कुछ छोड़ते हैं। हाँ, बस बाकी हम तो अपने घरों में रहते हैं, बर्फ होती है, सर्दी होती है। देख लें कितनी टफ लाइफ है, और हम लोग वहाँ पर अच्छी लाइफ गुजारने के बावजूद भी हम लोग नाशुक्री करते हैं। ये लोग बेचारे इंतजार करते हैं कि सीजन में, मतलब सीजन के 4-3 महीने इनके पास टूरिस्ट आते हैं और वो पैसा लेके आते हैं जिससे इन लोगों का घर चलता है। हाँ भाई लोग, तो 2 मिनट के लिए हवा खाने के लिए बाहर रुके हैं। क्या है कि वो भाई को पावर ऑयल लेना था अपना गाड़ी के लिए, तो मैंने कहा जरा आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको बता देता हूँ। वो ये है कि बहरीन के बाद आप लोगों को मोबाइल के सिग्नल बहरीन में मिलेंगे, और उसके बाद कालाम में मिलेंगे जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। इसके साथ आपको
3G नहीं मिलेगा, मतलब आपका फोन चल रहा होगा लेकिन आपकी 3G सर्विसेज नहीं चल रही होगी। कालाम पे आके हम लोगों ने घर वालों को बता दिया कि हम कालाम खैर से पहुंच गए, लेकिन अब इसके बाद जहां पे हम आगे चलेंगे वहां पर आपका मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल चला जाएगा, मतलब ना आपके मोबाइल्स काम करेंगे ना आपका 3G काम करेगा। अभी तक मैंने किसी को भी, किसी ड्राइवर को, किसी पेट्रोल पंप वाले को लड़ते हुए नहीं देखा, सब इखलाक में तमीज़ के साथ हंसी मजाक जोक्स वो चल रहा है। क्या हाल है खान? तब ठीक है? हंसते वस्ते नहीं हो गया? हंस के देखा, हंस के देखा, स्माइल।